आप देख रहे हैं न्यूज फर्स्ट नेटवर्क, आपके साथ आपकी आवाज। चलो, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। नेशनल सिक्योरिटी एंड एंटी करप्शन क्राइम प्रिवेंटिव ब्रिगेड से ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजर मैं नदीम खान। मेरे पास एक वीडियो आया जो भिवंडी के इंग्लिश हाई स्कूल से स्कूल की है, उसके टीचर से दो मुस्लिम महिला है, उनके ऊपर जो प्रिंसिपल अत्याचार कर रहा है उसको हम कहेंगे मानसिक तनाव देना। ये डेमोक्रेसी है, फ्रीडम है, हिंदुस्तान है, भारत है, नया भारत है, हमारा देश है। यहाँ औरतों को पाबंदी नहीं है, औरतों को अपने हिसाब से जीने का तरीका है, बात करने का तरीका है, रहने का तरीका है। मेरा मानना ऐसा है कि औरत इस देश के अंदर घूंघट में हो या बुरखे में, लेकिन भारत देश के अंदर महिलाओं को देवी का रूप माना जाता है, देवियों देवी की तरह समझा जाता है। तो आज एक भिवंडी की इंग्लिश हाई स्कूल के अंदर दो टीचर्स ने ऐसी शिकायत की कि हमें प्रिंसिपल ने बुलाया, कहा कि हिजाब उतारो और अपना ये माथ ये हटाओ, यानी बुरखा हटा के यहाँ पे आके पढ़ाई कराया करो। तो इससे बुरखे से मैं टीचर से सवाल करता हूँ, प्रिंसिपल साहब आप क्वालिफिकेशन पढ़े लिखे हो, एजुकेटेड हो, तो बुरखे से आपके इन स्टूडेंट्स को क्या प्रॉब्लम होगी? कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। आपके अगर पढ़ाई के ऊपर कोई एक्शन हो रहा है या आपकी पढ़ाई के ऊपर कुछ बातें आ रही है या डिस्टर्ब हो रहा है बुरखे से, तो फिर ठीक है, उसके बारे में आप डिस्कस करो। आप उसको इशारा करके बुलाते हो, ये इधर आ, कल से बुरखा पहन के नहीं आने का, नहीं तो आपको हम डिस्कनेक्ट कर देंगे, निकाल देंगे, तो ये गलत बात है, ये आपके ऊपर शोभा नहीं देता प्रिंसिपल साहिबा। आज मैं इसे न्यूज फर्स्ट नेटवर्क के जरिए से ये न्यूज में डलवा रहा हूँ और एक सच्चाई है जो मैं आपके सामने पेश करूंगा। आगे उन दो, एक शाहीन है और एक टीचर्स है, जो इन मैडम जो इन्होंने अपने बयान इनके ऊपर जो बीती वो आपके सामने डिस्कस करेंगे। आप आगे के वीडियो को फॉलो करो, मैं इसके खिलाफ जरूर आवाज उठाऊंगा।